स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से आपको बताया जाएगा डेंगू का देसी उपचार, घरेलू उपचार। 6 से 30% मृत्यु दर जो रिकॉर्ड की गई है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वो डेंगू से होता है मृत्यु। प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। डेंगू एक ऐसा वायरस है जो कि दिन में आपके लिए डेंगू का मच्छर काटता है और वो आपके रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर संक्रमित हो जाता है, संचरित हो जाता है। तो दिन में पूरी बांह के कपड़े पहन के रहें, सावधान रहिए। और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे लोगों को संभावनाएं ज़्यादा होती हैं डेंगू से प्रभावित होने के। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वो आपकी इच्छा है, ताकि शेयर करने से कई सारे लोगों को लाभ मिले, उनका पैसा बचे, स्वास्थ्य बचे। इसके जो लक्षण है, वो जैसे ही वो काटता है तो चकत्ते जैसे आपके चेहरे पर, हाथों पर निशान पड़ जाते हैं लाल रंग के, और जोड़ों में दर्द होता है, बुखार 102 से 104 तक पहुँच जाता है तापमान आपके शरीर का। इसका चेकअप कराएं 3 से 5 दिनों के अंदर, और इसका जो सरल और आसान उपाय है, 2-3 फार्मूले आपको देसी बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको प्रयोग किया है, अनुभव किया है। आपका धन बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा और सुख शांति बचेगी, क्योंकि पहला सुख निरोगी का आया है। शरीर का ध्यान नहीं दोगे तो शरीर तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगा। सबसे पहले आपके लिए, जैसे ही पता चले कि आपको डेंगू है, तो 5-7 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च तोड़ करके उनका पेस्ट बना करके 1/2 गिलास पानी में खौलाइए, और इसी में बीस से पच्चीस ml की चटनी, गिलोय की लकड़ी की, हरी लकड़ी की, वो भी पीस कर इसमें डाल दें। सुबह के लिए आप पिए, दोपहर में पिए, शाम को पिए। एक दूसरा उपाय है कि जो नीम के पत्ते की चटनी होती है, 25 ग्राम बनाएं और उनका रस निकालें। उस रस को शहद के साथ में आप ले लीजिए, ये आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। 3 टाइम ये ले सकते हैं, ऊपर से 1/2 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। एक तीसरा उपाय है जो पपीता के पत्ते होते हैं, उनकी आप चाय बना करके पिए, 1/2 गिलास चाय 3 समय पिए। बहुत जल्दी प्लेटलेट्स आपके बढ़ जाएंगे, जो आपके 10,000 तक पहुंच गए हैं उनको भी स्वस्थ होते देखा गया है इन उपचारों के द्वारा। आप इसका लाभ उठाएं, और लगभग 15 से 45 दिन तक इन 3 प्रयोगों में से कोई एक भी करने से नियमित आपके अंदर असाधारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाएगी। साथ में संतरा या मौसम्मी का जूस भी आप हल्का गुनगुना करके और 2 काली मिर्च डाल करके 1/2 गिलास 1 कप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। जब सबका भला होगा तो आपको भी प्रकृति माँ, परमात्मा या कुदरत ठीक करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जो सबका भला सोचता है, उसका बुरा होते हुए भी बुरा नहीं होता है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। इन दिनों व्यस्तता ज़्यादा चल रही है, कुटिया का निर्माण कार्य, कुटिया का विस्तारीकरण, एक वाटिका बनाई जा रही है, ताकि जो हठयोग के प्रेमी हैं, जो आते हैं हमारे पास, उनको और बेहतर पर्यावरण और वातावरण हम दे सकें। इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, या फिर बनाने में असमर्थता आ रही है।
कोई बात नहीं, फिर भी आपके एक आध वीडियो से सेवा निरंतर चल रही है, इस बात की हमें प्रसन्नता है। ओम शांति, ओम क्रांति।